गुड मॉर्निंग भद्रत यार, कैसे हो? इनका छोटा सा सब्सक्राइब भाई बहुत अच्छे हैं तो इनके। ओ भाई देख रहे हो, हाँ देख रहे हो मेरे वीडियो को लाइक करो। गुड मॉर्निंग भद्रत यार, कैसे हो आप सब? तो होप आप सब बढ़िया होगे। एक बार फिर से आप सबको स्वागत है हमारे YouTube चैनल आकाश व्लॉगर पर। तो गाइस यार, हमें कल से छुट्टियां पड़ गई हैं, हमारे पूरे कॉलेज वगैरह में छुट्टियां पड़ गई हैं, तो अब हमारा कंटिन्यू व्लॉग आते रहेंगे हमारे चैनल पे। तो यार आज सुबह सुबह हमारे साथ हुआ क्या कि हम अभी सोए हुए थे तो हमारे यहाँ पे एक छोटे से सब्सक्राइबर हमसे मिलने आए। हम पहले आपको उनके साथ मिलाते हैं, फिर देखते हैं आगे व्लॉग में क्या करना है। तो गाइज ये है वो हमारे छोटे से सब्सक्राइबर, तो इनका नाम है शारिक, है ना शारिक? तो शारिक भाई बोलो आप, मतलब कि कैसे आप यहाँ तक कैसे पहुँचे हो आप? गाइज मुझे पहले पता नहीं था कि ये भी व्लॉग बनाते हैं। मैं इनका छोटा सा सब्सक्राइबर हूँ और मुझे सब्सक्राइबर हूँ और मुझे भी एक व्लॉग चैनल खोलना है, तो मैं अच्छा। इनसे बातचीत करने के लिए आया हूँ कि कैसे खोलते हैं। अच्छा अच्छा चलो, तो कोई नहीं, इनको पहले चैनल के बारे में बताते हैं कैसे चैनल खोलना है, क्या करना है। तो आपने अपना चैनल खोलना है? हाँ अपना। फोन है आपके पास साथ में? फोन भैया का है मेरा। चलो कोई नहीं, तो इनका चैनल वगैरह देते हैं खोल के, कैसे खोलना, तो फिर उसके बाद मिलते हैं। तो गाइज अभी आकाश भाई ने मुझे ये हाइलाइटेड भी दिया है क्योंकि मुझे पढ़ाई करनी में आता है, मुझे पढ़ाई करनी में लगता है। तो आकाश भाई बहुत अच्छे हैं तो इनके चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना। तो आपसे मिलते हैं नीचे। तो गाइज अभी आपने देखा यार कितने प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर मिलने आते हैं, बहुत खुशी होती है, दिल से खुशी होती है कि यार मतलब कि हमारे भी छोटे छोटे सब्सक्राइबर हमसे मिलने आते हैं। तो यार आज के ब्लॉग में कुछ ऐसा होने वाला ना यार कि आप सबको पता कि छुट्टियां हो गई हैं, स्कूल कॉलेजेस हर जगह पे छुट्टियां हो गई हैं, तो हम जा रहे हैं दादी के घर, और क्योंकि उसके बाद हमने जम्मू निकल जाना, तो फिर आज दादी वगैरह से मिलेंगे, तो थोड़ा आपको हम अपना पुराना कल्चर दिखाएंगे कि घर में क्या होता है। तो यार ये वाली जो सीरीज़ है ना घर वाली, तो वो बहुत मस्त चलने वाली, ब्लॉग पूरे देखना। तो अभी यार हम पैकिंग वगैरह करते हैं, उसके बाद चलते हैं बाइक पर घर की तरफ। बाइक हम ज़्यादा शूट नहीं करेंगे, घर में ज़्यादा शूट करेंगे पहुँच के, तो हम आपको अपना घर भी दिखाएंगे पीछे। तो अभी पहले पैकिंग करते हैं। तो गाइज़ अभी हम अपने साथ ही एक चार्जर, एयरबड्स और कुछ थोड़े से कपड़े और ये एक बोर्ड और ड्रायर साथ में लेके जाएंगे, और ये अभी इसको डालते हैं बैग में सब सामान को, और फिर जल्दी जल्दी यहाँ से निकलते हैं यार अभी बाहर की तरफ। और बाइक भी आज हमने एक दो दिन के बाद ही चलानी, तो बाइक का भी बहुत बुरा हाल है, तो बाइक को भी दिखाते हैं आपको। तो गाइस यार अभी हम यहाँ से निकल गए हैं तेल वगैरह बाइक में डलवा के, तो अभी आज का सफ़र हमारा कैसा रहने वाला हमें कोई पता नहीं है। तो अभी हम आज बिल्कुल यार हमारी ना, हमने बहुत देर के बाद आज बाइक निकाली है क्योंकि हमारी जो पिछली ब्रेक थी तो वो अभी भी उतनी ठीक नहीं है, बट हाँ फिर भी थोड़ा कंट्रोल हो जाता है लेकिन उतनी ठीक नहीं है। इतनी ठंड में ना बाइक को खींचने में मेरा यार बहुत ज़्यादा, क्या ही बोले यार भाई, बहुत ज़्यादा बड़ा दिल होना चाहिए यार इतनी ज़्यादा ठंड में भी बाइक को तेज़ चलाने में। तो यार और मैं आपको एक बात बता दूं यार, कल शाम को हमारे साथ क्या हुआ ना कि कल शाम हम मतलब कि गए हुए थे बाहर, गए हुए थे हम ऐसे सब दोस्त लोग, तो भूत की तलाश में गए हुए थे हम। तो हम मतलब कि घर से उसी बहाने निकले थे, कि बहाने नहीं निकले थे बट घर से तैयार होकर निकले कि भाई हम आज भूत को देखेंगे ही देखेंगे। तो हम निकल गए घर से, उसके बाद फिर जब हम वहाँ ऊपर वाली रोड पे जाई रोड पे चले गए, तो वहाँ पे हमें यार कुछ दिखा था, लेकिन अब वो पता नहीं क्या था हमें नहीं। गाइस यार अभी हमने लंच ब्रेक ली थी, और लंच ब्रेक के बाद अभी हम फिर से यहाँ से निकल गए, और ये हमारे आकाश भाई। ओए ओए आगे देख, आगे देख, ओए ओए देखो, ओए क्या, ये क्या, ओए रुक रुक रुक, पीछे कर गाड़ी, ये क्या यार आगे से, ये क्या। ओए ओए यार आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, चैनल को सब्सक्राइब करना, और हो सके तो शेयर करना अपने दोस्त लोग में यार। धूप वाले एरिया में ना बिल्कुल मज़ा आ जाता है यार बाइक चलाने, लेकिन जहाँ पे छाँव है ना भाई, वहाँ पे यार क्या ही बोले यार। और हेलमेट, जो मेरा हेलमेट है ना यार भाई, क्या बोले यार, इससे जो लोगों के रिएक्शन रहते हैं ना भाई, वो ओपी रिएक्शन रहते हैं, ओपी बिल्कुल। बहुत से लोग बोलते हैं यार आप बहुत तेज़ चलते हो, बट मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि अब मुझे
3-4-5 साल शायद हो गए हैं बाइक चलाते चलाते। और यार इतना एक्सपीरियंस तो मेरे हिसाब से ठीक है एक बाइकर के लिए। तो यार अब तेज चलाता हूँ तो यार मैं सिर्फ सेफ्टी के साथ ही चलाता हूँ ना, जैसे अभी हेलमेट लगा हुआ है, सब कुछ लगा हुआ है। तो इसलिए यार ये सब ना वीडियोस वगैरह देख के आप लोग ट्राई मत किया करो यार घर में तेज चलाने का ये वो, क्योंकि ये हमारे 1-2-3 साल की मेहनत होती है तो इसलिए हम तेज चल पाते हैं। तो ऐसे यार ये सबके बस की बात नहीं है तेज चलना, तो इसलिए मैं तो किसी को नहीं बोलूँगा कि यार आप लोग तेज चलो। हम पहुँच गए हैं दरिडू में, ये है दरिडू की छोटी सी मार्केट है गाइस, ये देख सकते हो आप। अभी यार आजकल ना अब छुट्टियां हो गई हैं ना, पूरा भद्रवाह खाली हो गया है, भद्रवाह में भी कोई नहीं है। और जो मतलब कि मेन प्रॉपर भद्रवाह के हैं वही लोग वहां पे हैं, भद्रवाह में हैं। आप बाइक को खींचते हैं यार, पावर चेक करते हैं बाइक की। ओ भाई साहब 99 100, भाई मजा आ गया यार, भाई यार बिल्कुल मजा आ जाता है यार, मतलब कि बाइक को खींचने में बिल्कुल मजा आ जाता है। हम पहुंच गए शेरी के मार्केट में, अभी यहाँ से इसको शेरी मार्केट को क्रॉस करते हैं पहले। और हाँ यार मैंने पहले बोला और अभी बोलता हूँ कि यार ये मार्केट वाले एरिया में ना बाइक थोड़ा स्लो ही चलाया करो तो ठीक है, क्योंकि यार तेज़ चलाने का फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि मार्केट में किसी का कोई भरोसा नहीं होता कहाँ से कौन निकल जाएगा सामने की तरफ, तो फिर वहाँ से थोड़ी प्रॉब्लम पड़ सकती है। अभी यार यहाँ से निकलते हैं आगे, ठंड बहुत ज़्यादा। और ये देख रहे हो, हाथ देख रहे हो मेरे बिल्कुल कैसे हो गए हैं यार। तो ये देखो यार रोड, हमारे घर की रोड देखो कैसी है। यहाँ तक खलेनी तक तो सब लोग आए होंगे, खलेनी के बाद आगे मुझे नहीं लगता आप में से कोई लोग, हाँ कोई जो मेरे वहाँ से व्लॉग देखते हैं तो वो तो बोलेंगे हाँ हम आए हैं, बट जो भद्रवाह से हैं मुझे नहीं लगता वो वहाँ पीछे आए होंगे। तो यार व्लॉग में बने रहो, हम आपको दिखाते हैं हम किस लिए हैं। रोड पर चलने में मज़ा आता है, लेकिन बस एक काम है, हॉर्न का यूज़ ज़्यादा किया करो ऐसी रोड में। ये देखो कोई भरोसा नहीं होता है भाई, गाड़ियों का कोई भरोसा नहीं होता है, और ऐसी रोड पे तो बिल्कुल भी भरोसा मत करो। गए जैसे भद्रवाह में है ना डंडी, तो यहाँ पे इस गांव का नाम डंडा है, तो ये क्रॉस कर लिया और अभी यहाँ से आगे जाते हैं। ये देखो बच्चे लोग यहाँ पे रोड में क्रिकेट खेल रहे हैं। एक जगह पे इतनी ज़्यादा रोड ख़राब है, मैं दिखाऊंगा वहाँ से नीचे इतनी गहरी खाई है, वहाँ का नाम है शिलांग, तो वहाँ से तो धीरे ही चला करो यार। कि नीचे सामने आप जो ये खेत देख रहे हो ना, वहाँ पे एक जगह पे मेरा खेत भी है, एक जगह 5-6 खेत हैं वहाँ पे नीचे जो खेत देख पा रहे हो ना आप वहाँ पे, तो कभी यार टाइम मिलेगा ना तो हम आपको वो भी दिखा देंगे। तो यार देखो छोटे छोटे बच्चे यार कितने मेहनती होते हैं यार, अभी आपने देखा पीछे ये खाई के बारे में मैं अब बात कर रहा था, ये खाई बहुत ज़्यादा गहरी है, तो यहाँ पे यार पीछे ही चला करो पिछली साइड के लिए, ज़्यादा आगे मत निकला करो। वो देखो भाई सीधा नीचे यहाँ से सीधा आपको मेरा घर दिखेगा सामने, ये जो सामने रोड में आपको ये सामने दुकानें दिख रही ना यार, वो है मेरा घर। तो अभी मैं आपको सामने पास जाके दिखाता हूँ, ये अभी बना नहीं है बट हाँ अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो शायद मार्च तक बन जाए। अपनी बाइक लगाते हैं पहले अंदर, फिर चलते हैं यहाँ से दादी के घर। ये गाइस आ रहे हैं, तो ये हमारी बाइक बेचारी यार, इसको हमने धोना है यार, तो आज देखते हैं यहाँ पे। तो यार ये यहाँ पे हमारा घर अंडर कंस्ट्रक्शन है, नीचे दुकानें हैं ऊपर घर है, ये वाला हमारा रूम है, तो जब ये बन जाएगा ना तो उस वक्त मैं आपको दिखा दूंगा। तो अभी मैं ना ऊपर जाके आपको वहाँ से व्यू दिखाता हूँ अपने गाँव का, बट बहुत देर के बाद आज हम अपने घर आए, देखते हैं यार आपको मैं अपना अभी ना मैं व्यू चेक करूँ। ओ यार यहाँ से तो रास्ता ही बंद है अपने घर में जाने के लिए मुझे, तो गाइस फाइनली देख सकते हो आप यहाँ से, हम आपको एक सिनेमैटिक शॉट दिखाएंगे अपने गांव का, सारी गांव का नहीं फ्रंट व्यू का, हमारे घर के फ्रंट व्यू का, और ये हमारे घर का फ्रंट व्यू। तो अभी हाँ ये इनकम्प्लीट है, तो जब ये पूरा प्रॉपर तरीके से बन जाएगा ना मार्च तक, तो अभी हम आपको ये भी दिखा देंगे, तो आप पहले एक व्यू चेक करो।
तभी यार यहाँ से बाइक को स्टार्ट करते हैं यार, तो आगे शॉप के पास ले आते हैं बाइक को। यार यहाँ पे ना शटर की चाबी हम साथ में नहीं लाए हैं, शटर की चाबी शायद दादी के पास होगी कि कहाँ पे है मुझे नहीं पता, अगर लाई होती तो हम शटर में डाल देते। ओ भाई तो गाइस अभी हमने अपनी बाइक साइड पे पार्क कर दी है, ये हमारे चाचू की शॉप्स हैं तो यहाँ पे हमने लगा दिया, यहाँ पे हमारी बाइक सेफ है, यहाँ पे कोई नहीं छेड़ेगा हमारी बाइक को। तो अभी हम अपना हेलमेट वगैरह खोलते हैं और उसके बाद मिलते हैं। तो गाइस अभी हम पहुँचे हैं घर में और ये हम अपने यहाँ पे कज़िन ब्रदर मिले, ये हमारे आयुष भाई, ये हमारे राहिल भाई और ये हमारे आशीन भाई। ये देखो इनके साइकिल, हमें यहाँ पे राइडरों की एक टोली मिली तो अभी हम इनकी साइकिल पे छोटी सी राइड करेंगे, देखेंगे बहुत सालों के बाद हम साइकिल चलाएंगे, देखते हैं चलता है नहीं चलता। और रुक जा भाई, वो पीछे रहना बोल रहे हैं। देखा यार जब स्टार्टिंग में ना हमने भी साइकिल पे सीखी थी विली वगैरह स्टॉपी वगैरह सब कुछ, तो यार थैंक यू आयुष भाई आपने अपना साइकिल दिया हमें तोड़ने के लिए। तो गाइस अभी चलते हैं घर में, घर में आपको दादी दादू से मिलाते हैं और अपने पूरे सबसे मिलाते हैं। तो गाइस फाइनली अभी हम पहुंच गए हैं दादी दादू के घर में, बल्कि दादी दादू के पास। तो ये हमारे दादी और ये हमारे दादू और अभी इनसे करते हैं बातचीत। दादी एरदत मेरी वीडियो हां के लेक्चर फर्स्ट क्लास लेक्चर हाय दादी तुसन हां सर डेली है तुम बड़ी अच्छी लेक्चर आसन बच्चा तो सुनाई दादी जो 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 वीडियो को लाइक कर देना हां छह लाइक कर वो वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब जो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो गाइस मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो गाइस आज के ब्लॉग में बस इतना ही, क्योंकि यार आज हम आपको ज़्यादा इसलिए नहीं दिखा पाए कुछ, क्योंकि मैं सीधा डायरेक्ट अभी भदरवा से आए हम यहाँ पे घर में, तो घर में मैंने आपको दादी दादू से भी मिलाया और दादू को सब्सक्राइब बोला नहीं आया, बट कोई नहीं हम चार दिन में सिखा देंगे, चार दिन अभी हम यहाँ पे हैं तो हम सिखा देंगे उनको सब्सक्राइब बोलना सब कुछ। तो अभी कल मिलते हैं यार ऐसे मज़ेदार से ब्लॉग देखने के लिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है यार उसको जाके फॉलो करो, और साइड पर जो इंस्टाग्राम की आई डी देख रहे हो ये हमारी आई डी है तो इंस्टाग्राम पर जाके फॉलो कर देना और चैट पे भी जाके ऐड कर देना। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट समझदार से ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।